गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के निशाने पर बोकारो के जिला एवं पुलिस के अधिकारी आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, डीजीपी और लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने शिकायत की है। सांसद ने अपने आवासीय कार्यालय में पुलिस प्रवेश और जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले में विशेषाधिकार हनन का मामला चलने का आग्रह किया है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर बोकारो के डीसी, एसपी सहित सर्किल इंस्पेक्टर व अन्य अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उनके आवासीय कार्यालय में आकर पुलिस दल लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जांच पड़ताल के नाम पर परेशान किया गया है, इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है। ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। शिकायत में कहा गया है कि 3 सितंबर को संध्या 7:30 बजे सर्किल इंस्पेक्टर सिविल यूनिफॉर्म में अपने पुलिस जवान के साथ उनके सेंट्रल कॉलोनी मकौली के आवासीय कार्यालय पर 3 गाड़ियों के साथ आए। उनके साथ 12 से 15 जवान थे। आधा दर्जन से अधिक जवान घर के अंदर घुसकर जांच पड़ताल करने लगे। जब लोगों ने सर्च वारंट की मांग की तो कोई वारंट नहीं दिया गया और न ही परिचय दिया गया। पुलिस दल ने मेरे बारे में भी जानकारी मांगी कि मैं कहाँ हूँ। पुलिस का आरोप था कि आवास में पैसा रखा गया है। देखना होगा कि सांसद की शिकायत पर विशेष अधिकार हनन का मामला स्वीकृत होता है अथवा नहीं। अगर स्वीकृत होता है तो बोकारो के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष परेशानी पैदा हो सकती है। सांसद ने इस मामले की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त और झारखंड के डीजीपी से भी की है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।